इंदौर शहर में जिस तरह से चारों तरफ भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर कीमती जमीन हथियाई गई थी, उसी के काले चिट्ठे लगातार प्रशासन व पुलिस के सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में तेजाजी नगर पुलिस ने जमीनों के दलाल जमुना दास उर्फ डब्बू के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित रहने वाले फरियादी द्वारा जमीन के मामले में शहर के कुख्यात दलाल जमुना दास के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। जमुना दास उर्फ डब्बू पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है भूमाफिया डब्बू जेल की सलाखों के पीछे कुख्यात बदमाश हेमंत यादव का बिजनेस पार्टनर भी है और इसी की रहनुमाई पर जमीनों का एक बड़ा खेल को अंजाम दिया जाता था। फिलहाल जमुना दास की पुलिस द्वारा टीम गठित कर तलाश की जा रही है। जमुना दास और उसके गुर्गे शहर की कीमती जमीनों पर अपनी निगाह जमा कर उन पर कब्जा सहित ऑडी बाजी कर मोटी रकम कमाने का खेल कई दिनों से शहर में खेल रहे थे, लेकिन शहर में चल रही भूमाफियाओं पर कार्यवाही के तहत लगातार शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आवेदक आकाश सचदेव की रिपोर्ट पर आरोपी जमुना दास के खिलाफ धारा 420 406 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इन दोनों का एक जमीन को लेकर विवाद था, जिसमें रिश्वत डील को लेकर इनको हुआ था सौदा, जो जमुना दास द्वारा वापस नहीं करने पर आकाश की रिपोर्ट पे जमुना दास के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी की तलाश के लिए टीम को रवाना किया गया है। अभी तक तो हमारे थाना क्षेत्र में नहीं हुआ है, बाकी इसकी जानकारी निकाली जा रही है कि कहां इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।